दोस्तों अगर आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली T20 सीरीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 सीरीज खेला जाना है और ये सीरीज खेली जानी है ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर, जहां पर टीम इंडिया को हमेशा से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस मैच की प्रेडिक्शन क्या है, हेड टू हेड मैचेस देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, कौन सी टीम के पास कितना बैटर है, लास्ट 5 मैचेस में कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहा है, साथ ही साथ की प्लेयर्स देखेंगे और लास्ट में हम प्लेयर बैटल देखेंगे। और ये सभी स्टैट्स को देखने के बाद हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप RS एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 10 मैचेस में हराया है। अभी तक दोनों ही टीम्स के बीच में 15 ओवरऑल मैचेस हो चुके हैं। T20 मैचेस की बात की जाए तो जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 4 मैचेस जीते हैं और टीम इंडिया ने 10 मैचेस जीते हैं और एक मैच में रिजल्ट नहीं आया था, मैच रद्द हो गया था। तो ये तो रही हेड टू हेड मैचेस की बात। अब अगर हम देखते हैं मोमेंटम कौन सी टीम के पास है, किसके पास ज्यादा अच्छा मोमेंटम है, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट T20 सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलकर आ रही है, जहां पर इन्हें 3-0 से सीरीज को हारना पड़ा था। तीनों ही मैचेस पाकिस्तान ने जीते और ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज को हार गई। तो वहीं लेटेस्ट रिजल्ट की बात की जाए तो अभी ODI मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां पर इन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। यानी ODI या T20 की बात की जाए तो दोनों ही फॉर्मेट में टीम ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम बेकार है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वहीं टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया हाल ही में वेस्टइंडीज के साथ T20 सीरीज जीत कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम के मामले में भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से आगे है। तो वहीं अब अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें, जो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो यहाँ पर 3 मैचेस में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने और एक मैच रद्द हो गया था। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के स्टैट्स देखे हैं और तीनों ही स्टैट्स में टीम इंडिया कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। तो वहीं अब अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो की प्लेयर्स के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से देखते हैं तो एरॉन फिंच, जो यहां पर कप्तानी भी करने वाले हैं, ये काफी अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल और एंड्रयू टाई, दोनों ही प्लेयर्स हमेशा ही IPL में अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि लास्ट ईयर ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तीनों ही प्लेयर्स IPL में खेलते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं इन्हें फायदा मिलने वाला है, सभी बॉलर्स से ये वाकिफ हैं। तो वही टीम इंडिया की बात की जाए तो शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 3 बड़े दिग्गज की प्लेयर्स के तौर पर साबित होने वाले हैं। तो वही प्लेयर बैटल की बात करते हैं तो प्लेयर बैटल यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलने वाली है ग्लेन मैक्सवेल और कुलदीप यादव की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा प्लेयर, ग्लेन मैक्सवेल या कुलदीप यादव, इस बैटल को जीतते हैं। तो वही दोस्तों जिस प्रकार से हेड टू हेड मैचेस के स्टैट्स, मोमेंटम जिस टीम के पास है, लास्ट 5 मैचेस में जो रिजल्ट रहा है आमना सामना, इनको अगर हम देखते हैं तो साफ तौर पर पहला T20 मैच टीम इंडिया ही जीत रही है। दोस्तों ये तो रही मेरी प्रेडिक्शन, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपकी क्या ओपिनियन है, कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी RS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।